शिनचैन यार, तू कब सुधरेगा? इस बार भी तेरी टीचर ने तेरे वजह से मुझे डांट लगाई। तू ये मस्ती करना कम कर दे, मैं बता रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं कोई मस्ती वस्ती नहीं करता हूँ। पता नहीं इनको क्या मिलता है मुझे परेशान करके। पहली बात तो तुझे कोई परेशान नहीं करता, उल्टा तू सबको परेशान करता है। अरे पर फ्रैंकलिन भैया, मुझे परवर कुछ नहीं सुनना। एक मिनट, ये इतने शोरगुल की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई साहब शिनचैन, ये तेरे स्कूल के ग्राउंड में इतनी भीड़ क्यों है? अरे फ्रैंकलिन भैया, दरअसल हमारे स्कूल के ग्राउंड में हर सैटरडे संडे को एक फाइट कंपटीशन होता है। क्या बात कर रहा है, लग तो इंटरेस्टिंग रहा है। चलो गाइस जल्दी से जाके देखते हैं। ओहो, फाइट पहले से चालू है और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये व्हाइट वाला थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है। मुझे लगता है यही जीतेगा। वैसे शिनचैन, ये स्कूल वाले अलाउ कर देते ये सब के लिए? अरे ये स्कूल वाले तो ग्राउंड भाड़े पे देते है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो उनको कोई मतलब नहीं। ओ ऐसी बात है, अरे मैं तो बोलता हूँ आप भी हिस्सा ले लो। पागल हो गया क्या? अरे मुझे तो ये सब देख के डर लग रहा है, मैं तो बोलता हूँ घर पर चलते है। चौक रुकना थोड़ी देर, अब तो मैच और इंटरेस्टिंग हो गया है, दोनों की हालत खराब लग रही है। ओहो हो भाई साहब, ये दूसरा वाला तो फॉर्म में आ गया और जीत भी गया। मुझे तो लगा था यार व्हाइट वाला जीतेगा। और जरा अपने आसपास तो देख, लगता है इस टकले के फैन बहुत ज्यादा है। कोई माइकल लाल है जो मुझे हरा सकता है, यानी के यहाँ के चैंपियन को। अरे फ्रैंकलिन भैया जाओ ना और जाकर इसे हराओ। शिनचैन तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने देखा नहीं इसने उसको कैसे मारा है? मैं नहीं जा रहा, लगता है किसी में दम नहीं है जो मुझसे लड़ सके। अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लगता है अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया प्लीज मुझे माफ कर देना, पर आपको अंदर जाना ही पड़ेगा, ये लो। ओ भाई आउच यार, शिनचैन तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? क्योंकि आप ऐसे तो जाते नहीं ना, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे कोई फाइट वाइट नहीं करनी, चुपचाप रास्ता बनाओ, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अबे कालिए, एक मिनट, इसने अभी मुझे काला बोला? ओ भाई साहब थोड़ा तमीज में, मैंने आपको कुछ बोला क्या? जब तू रिंग में उतरा है तो लड़ना वापस क्यों जा रहा है? अरे मुझे कोई फाइट वाइट नहीं करनी, वो तो मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं अंदर गिर गया। तेरा पैर फिसला था या मुझे देखकर तेरी फट गई है? अबे डरपोक डर गया तो सीधा बोलना। देखो अब ये ज्यादा हो रहा है, ये तो मेरे इज्जत पर आ गया गाइस। आजा भाई देख लूंगा तुझे। ये हुई ना बात, अब देख मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। तू तो गया बेटे, ये ले। ओ भाई यार गाइस, ये तो सच्ची में बहुत कस के मार रहा है, मुझे माफ कर दे यार। भागो 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 वरना ये अपनी हालत खराब कर देगा। नहीं आउच, अबे यार मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे चौप, लगता है मैंने गलती कर दी है, ये तो फ्रैंकलिन भैया की बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। मैंने तो पहले ही मना किया था, चुपचाप घर पर चलना चाहिए था। एक मिनट भाई साहब मेरी बात। आया बड़ा मुझसे लड़ने वाला, ज्यादा ही ताव में आ रहा था, अब उठना क्या हुआ? अरे नहीं चौप, ये मैंने क्या कर दिया, फ्रैंकलिन भैया की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे मुझे कैसे पता होगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अरे जादू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे तो जल्दी करो ना, वो फ्रैंकलिन भैया की जान ले लेगा, उसके बाद कुछ करोगे क्या? रुको, पहले मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, सूरज ऊपर ही है, मैं धूप से एनर्जी लूंगा और फ्रैंकलिन को दूंगा। जब तक धूप है मैं फ्रैंकलिन को एनर्जी दे सकता हूँ। जागो फ्रैंकलिन, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अरे वाह, मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा, लगे रहो जादू। एक मिनट, अभी ये सब क्या हुआ था और मैं यहाँ पर, ये टकला। एक मिनट, अभी मुझे सब कुछ याद आया। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें अभी बेहोश किया था। सब कुछ पॉसिबल है गाइस, मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। ये ले। हो भाई, एक ही पंच में ढेर हो गया। शिनचैन चौप, तुम लोगों ने देखा मैंने क्या किया, तुम्हारे भाई ने कमाल कर दिया। जादू, अब मैं समझा ये सब कैसे हुआ होगा। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं एक मुसीबत में हूँ। अरे भाई तुझे जो करवाना है करवा ले मुझसे, तूने मेरी जान बचाई है वरना पता नहीं मेरा क्या होता। अब मेरी बात सुनो, कृष्णा मतलब के क्रिश किडनैप हो चुका है और ये काम काल का है, उसने बदला लेने के लिए ये सब किया है। मुझे नहीं पता कि क्रिश अभी कहाँ पर होगा। क्या बात कर रहा है, क्रिश किडनैप हो गया? अबे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सच्ची में मुसीबत वाली बात है। तुम्हें उसे वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी, वो इस बार अकेला नहीं है, उसके साथी भी उसके साथ हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना होगा। देख मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार भी हूँ, पर मैं मदद करूँगा कैसे, मेरे में इतनी ताकत नहीं है भाई। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें सूट दूंगा और ताकत भी, जिससे तुम उन्हें हरा सकोगे। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपको क्रिश का सूट मिलने वाला है, मजा आ जाएगा। गाइस यार पता नहीं कौन सा सूट मिलेगा। वो यार इस बार तो स्टार्टिंग में कमाल का सूट मिल गया, मुझे लगता है इसकी मदद से मैं उन्हें हरा लूंगा, है ना जादू? नहीं, ये बेसिक लेवल का सूट है, तुम्हें इस सूट को अपग्रेड करना होगा यहाँ से। ओके ठीक है।
है चलो फिर मैं निकलता हूँ। गाइस फटाफट जाते हैं, हमें क्रिश को भी ढूंढना है और उन विलन्स को भी हराना है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, मेरे पास पहले विलन की लोकेशन है। उसने बहुत सारे वर्कर को किडनैप करके रखा है, वो उनसे कुछ तो बनवाना चाहता है, तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। ओके तू मुझे लोकेशन भेज दे। चलो गाइस जल्दी से निकलते हैं, या सामने किसी की बाइक पड़ी है। देखो फिलहाल तो कोई हमें देख नहीं रहा, तो चुपचाप यही लेके निकल जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पहुँचना भी है गाइस। ओ भाई साहब अभी तो टकरा ही जाते। अबे यार ये कैसी बाइक है, संभल ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, भगाते फुल स्पीड में, जैसे तैसे चला लेंगे। तो गाइस हम लोग लोकेशन के आसपास तो पहुंच गए, हमारी लोकेशन जस्ट सामने ही है। वहाँ मुझे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ना गाइस वो विलन यहीं पर होना चाहिए। चलो हम लोग पहुंच तो गए है, कहाँ हो सकते वो लोग, वो रहे। बाइक को यहीं पर रुकाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रहे सारे वर्कर्स जिन्हें कैदी बनाया हुआ है, और मुझे लगता है यही वो विलन होगा जिसका ये काम है। ए तू मेरी बात सुनो, इन सबको चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम अभी जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ, और क्रिश तो किडनैप हो चुका है। तुम कौन हो बहरूपिये? मुझे क्रिश 2.0 समझ लो। और तुम्हें उससे क्या है, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इन सबको तो मैं यहाँ से निकाल के रहूंगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं दोस्तों, जाओ जरा अपना कमाल दिखाओ इन्हें। कमाल? ओह भाई साहब इसने तो अपने चमचे छोड़ दिए। कोई बात नहीं, ये ले और ये खा। अबे मैं क्रिश बना हुआ हूँ। आ जाओ बच्चा आ जाओ, ये तो गया एक ही पंच में, अब तेरी बारी है। अबे यार वो गन चला रहा है, वर्कर्स को ना लग जाए। तुम सब लोग भागो जल्दी से यहाँ से। चलो गाइस वर्कर भाग रहे हैं यहाँ से, इन्हें निकालने में तो हम कामयाब हो जाएंगे। अबे तू कहाँ उनके पीछे जा रहा है तेरी, तो ये ले। क्या लात पड़ी है, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, यहाँ पर भी दो जन है। ये गया पहला, अब तेरी बारी है। ओहो वो उठ रहा है। उठने का नहीं, चुपचाप सोने का। चलो इसके चमचे तो निपट गए और वर्कर्स को भी हमने बचा लिया है। अब तेरा क्या होगा कालिया, सॉरी गोरिया। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। जरा अपने राइट साइड में देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे राइट साइड में क्या है? ओ भाई साहब अब ये क्या मुसीबत है। गाइस मुझे लगता है हमारे लगने वाले, इसके अंदर तो बहुत सारे शेर है और ये मेरी तरफ ही आ रहे। नहीं नहीं नहीं, भागो भागो भागो, ऐसा कौन करता है, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। कम से कम मैं शटर का हैंडल ही तोड़ देता तो ये लोग निकल ही नहीं पाते। कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा, पर इन पहाड़ों में मैं जाऊंगा कहाँ पर, कुछ तो सोचना होगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे यार यहाँ तो और भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। भाइयों पीछे देखो और भागो जल्दी से। ये शेर कहाँ से आ गए? अच्छा वो इनको बता दिया, वरना ये दोनों शिकार हो जाते पक्का। जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा गाइस। एक मिनट, यहाँ किनारे पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हो। इनसे शायद मैं उसे रोक सकूं। और वहाँ नीचे देखो, यहाँ पर एक टनल भी है, हमें बस उस पत्थर को हिलाना है। वैसे भी वो एकदम कॉर्नर पे, एक गोली मार के देखता हूँ। और ये चलो हिल गया, जल्दी से जाते टनल के अंदर। ये बस टनल को जल्दी से कवर कर दे। हो जा भाई हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, और ये हो गया। देखो बाकी के शेर अंदर आ नहीं पाए, और जिन्होंने अंदर आने की ट्राई की वो इस पत्थर के नीचे आ गए। अब वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका है और हम लोग सेफ है। क्या क्या मुसीबत आते रहती है, कभी समझ ही नहीं आता। ओ आउच, अब ये कहाँ से आ गया यार, इसको तो मैं भूल ही गया था। पर मैं तुमको नहीं भूला ना। एक बार खड़े होने दे फिर बताता हूँ तेरी तो मैं। अब ये ले, बहुत हो गया तेरा। क्या घुमा के लात दिए, और ये ले सीधा मुंह पर गाइस। अरे भागता क्या पर है तेरी तो, मैं तुझसे दूर जा रहा था, तू ही मुझसे। आउच, नजदीक नहीं जाना चाहिए था गाइस, गड़बड़ हो गई। ये क्या किया मैंने, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं गाइस, एक बार चांस मिलने दो फिर बताता हूँ उसे। बार बार बचे तेरी तो मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले और ये खा, बहुत हो गया तेरा। ओहो हवा में लात मार दी यार इसने। अबे तेरी तो मैं। चलो गाइस यही मौका है हमारे पास, तू तो गया बेटा। ये ले शेर का पंजा, और बूम फाइनली इसे हरा दिया। और जरा देखो तो सही, इसे हराने के हमें मिले हैं पूरे $5,00,000। तो जल्दी से देखते हैं मार्केट में $5,00,000 में कौन सा सूट है। और ये बाय, ये काफी नया नया लग रहा है और मस्त भी लग रहा है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, हमें और भी अपग्रेड की जरूरत है। एक मिनट यार, अब किसका फोन है? साइमन। अरे फ्रैंकलिन तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे काम है। हाँ बोलो ना क्या काम है। देखो बैटमैन ने एक नई गाड़ी ली है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चुरा कर मेरे पास ले आओ। तेरा दिमाग खराब नहीं हो गया, वो बैटमैन की गाड़ी है। अरे तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। पैसा? अच्छा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, पर वो गाड़ी है कहाँ पर? देखो बैटमैन ने एक नया मेंशन लिया है समुद्र के बीचों बीच, वो एक आइलैंड पर है। तुम्हें वो गाड़ी वहाँ से चुरा कर लेकर आनी होगी। अच्छा ठीक है चलो गाइस चलते हैं फटाफट, नया काम मिल चुका है और नया मिशन भी। तो गाइस समुद्र के किनारे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पर सवाल ये है कि हम लोग
लोग आइलैंड पर कैसे जाएंगे? ओ भाई साहब, वहाँ पर एक बोट रखी हुई है, मुझे लगता है ये इसका ओनर होगा। माफ कर देना दोस्त, पर इतना भी ध्यान फोन में नहीं लगाना चाहिए कि पीछे से आके कोई बोट ही चोरी कर जाए। अब जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी वो जगह बहुत दूर है। आपको सच्ची बताओ तो ये चीज मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है, ये बोट कुछ ज्यादा ही उछलती है। छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। तो गाइज ये रहा वो आइलैंड, जरा देखो तो सही, बैटमैन ने तो इस पर पूरा मेंशन ही बना कर रखा है। अब जल्दी से उतर के जाते हैं, बस हमारी बोट पानी में ना बह जाए वरना हम लोग वापस कैसे जाएंगे। ओहो, जरा सामने देखो, मुझे लगता है साइमन इसी गाड़ी की बात कर रहा था। ये कितनी ज्यादा कूल लग रही है यार। अब फटाफट से इस पर बैठते और निकलते हैं। अबे ये खुल क्यों नहीं रही है? गाइज यार ये गाड़ी तो लॉक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि बैटमैन ने चाबी इस मेंशन के अंदर रखी होगी, तो हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए। वैसे तो रिस्क बहुत ज्यादा है। नीचे सारी जगह मैं चेक कर चुका हूँ पर यहाँ कोई चाबी नहीं है, मुझे लगता है ऊपर होनी चाहिए। पता नहीं बैटमैन घर पर है भी या नहीं। यहाँ पर भी नहीं रखी हुई है, किसी और कमरे में जाकर देखते है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी एक कमरा है, एकदम आराम आराम से जाते। मुंह बंद रखना पड़ेगा, यहाँ तो बैटमैन है। पर अच्छी बात यह है कि ये सो रहा है और वो भी काफी गहरी नींद में। कैटवुमन प्लीज मान जाओ। चलो तुम कैटवुमन के सपने देखते रहो, तब तक मैं जाके चाबी ढूंढ लेता हूँ। देखो ये लास्ट कमरा यही कहीं होनी चाहिए। ओहो मुझे लगता है हमें मिल गई है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चाबियां है। अब इसमें से गाड़ी की चाबी कौन सी है? मैं कुछ मदद करूँ। एक मिनट, ये आवाज तो बैटमैन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो सो रहे थे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेवकूफ, ये मेरा ही घर है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चोर कहीं के? ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये खाओ। गाइस यार पता नहीं कितनी देर से बेहोश था मैं। एक मिनट बैटमैन, अबे ये कहाँ पर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गया है? अबे नहीं यार, वो गाड़ी मुझे चाहिए किसी भी हालत में। बाहर जाकर चेक करता हूँ गाड़ी है तो सही। नहीं नहीं है, गाड़ी कहाँ गई? ये आवाज किस चीज की है? ओ भाई साहब, गाइस जरा वहाँ देखो, बैटमैन तो गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा है। तुम मेरी गाड़ी को छू भी नहीं सकते चोर कहेंगे, अब यहीं पर फंसे रहना, मैं तो चला यहाँ से। मुझे कैसे भी करके हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। अपनी रोप गन का इस्तेमाल करता हूँ, ये लगाया निशाना और ये मैं चला। अब मुझे डर लग रहा है गाइस, हम लोग बहुत बुरी तरीके से लटके हुए। बैटमैन मेरी बात सुन, इस चॉपर को नीचे उतार वरना मैं गिर जाऊंगा यार। ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा गाइस। तुम फिर से आ गए, चुपचाप मेरे चॉपर से उतर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो तुमको जो करना है करो, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, और वैसे भी ये मेरे लिए बहुत रिस्की है, नीचे समुद्र है। फिर लटके रहो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अबे यार थोड़ी धीरे उड़ा ले, मरवाएगा क्या? चलो गाइस फाइनली किनारे पर तो पहुँचे। अबे यार ये इतना आड़ा टेढ़ा क्यों कर रहा है? एक मिनट गाइस, इसने चॉपर स्लो कर दिया है। अबे क्या हो गया, यहाँ पर रुक क्यों गया है? तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। गाइस क्या अभी बैटमैन ने खींचा? वो इसने गाड़ी को नीचे उतार दिया है। भाई साहब देखो गाइस, जब गाड़ी नीचे है तो मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ? डर तो लग रहा है पर मैं तो चलाओ। गए। देखो बैटमैन हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है पर गाड़ी तो चाहिए मुझे। एक मिनट, अब इसने तो चॉपर भी नीचे उतार दिया है। इससे पहले कि वो उससे उतर के गाड़ी में बैठे, मैं उससे पहले ये गाड़ी लेके निकल जाऊंगा। जल्दी से बैठते हैं अंदर। इतना दिमाग होता ना तो चमकादड़ चाबी निकाल लेता अंदर से। हाश गाइस फाइनली ये गाड़ी हाथ में आई और हम लोग वहां से निकल चुके हैं। अब बैटमैन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, सीधे जाएंगे हम लोग साइमन के पास। एक मिनट, भूकंप आया क्या? वाइब्रेशन तो फील हुई है। ओ नहीं, अबे यार ये तो पीछे ही आ गया है। देखो इससे पहले कि वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, गाड़ी को यहीं पर पार्क करते और निकलते यहाँ से। मैं उससे नहीं लड़ने वाला, वो बहुत ज्यादा गुस्से में, मैं जाके कहीं पर छुप रहा हूँ। अबे डरपोक भागते कहाँ पर हो? ओ आउच यार, मैंने तो तुझसे ऑब्सबैक्स लगाई भी नहीं थी। एक मिनट कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था। अबे पागल हो गया क्या? तो मैं रुक जाओ भाई यार, तुमने मेरी गाड़ी छू के बहुत गलत काम कर दिया। अच्छा तो ये ले। ओहो पैर फिसल गया गाइस, पर कोई बात नहीं, वो रहा। अबे यार कितनी उछल कूद करता है ये, अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जब मौका मिलेगा फिर से गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं तेरी तो मैं। ओ यार क्यों अब मेरा पारा चढ़ रहा है। ना बोल रहा हूँ कब से कि गाड़ी नहीं जाता कहाँ पर? रुक, इसको लगा कूद के बच जाएगा, बहुत ज्यादा शाना बन रहा था, तुझे तो अभी बताता हूँ मैं। ओ पर कोई बात नहीं, ये ले लात, एक और कसके देते गाइस, और ये ले। भाई साहब क्या पेड़ से टकराया ये, आजा बताता हूँ तुझे। एक बार जोर से पटकते इसको गाइस, इतना ऊपर से काफी होगा, और ये गया।
झटका तो बहुत जोर का लगा होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक तो चोरी करते हो ऊपर से सीना चोरी। अरे तो मांगता तो तू क्या दे देता मुझे? ये ले, तुझे बस यही मिलेगा। हाँ तो तुझे भी यही मिलेगा। ओ गाइस, ये तो बेहोश हो गया। चलो फटाफट चलते हैं गाड़ी के पास, इससे पहले कि उसे होश आ जाए। गाड़ी को लेके यहाँ से 9-11 हो जाते हैं, उसके हाथ फिर से नहीं आऊंगा। फाइनली गाइस, साइमन की डीलरशिप आ चुकी है। फटाफट से चलते गाड़ी को पार्क करते हैं। बुरा साइमन, हमारा इंतजार कर रहा था क्या? ये ले साइमन, तेरा काम हो गया। अरे क्या बात कर रहा है, इस गाड़ी को खरोच तो नहीं आई ना? अरे यार जरा देख तो सही, एकदम चकाचक है, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं है। वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा, पूरे $1,000,000। वो चल, इतना काफी होगा। गाइस यार, पैसे मिल चुके हैं तो बारी अपग्रेड की। जल्दी से खोलते हैं मार्केट, ये रहा $1,000,000 वाला सूट और बाइक। अबे यार, कितने कमाल का सूट है, ऐसा लग रहा है मुझ में डायमंड लगा दिए किसी ने। ऐसा सूट आज तक अपन ने पहना नहीं कभी। अरे यार, अब किसका फोन आ रहा है? टोनी। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचो। अरे पर हुआ क्या है? वहाँ पर किसी ने ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है, ये किसी मॉन्स्टर का काम है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। देखो गाइस, इस सूट में भी कोई ना कोई पावर तो होगी, जल्दी से देखते हैं। ओ भाई साहब, ये अभी हम लोग पहली बार कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा कूल है, हम लोग अपना रास्ता खुद ही बना रहे हैं। तो गाइस, टोनी ने जो लोकेशन भेजी थी ना, वो ये रही ठीक हमारे सामने। अब देखने से ऐसा लग रहा है ये एक फैक्ट्री है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक काम करता हूँ, यही उतर जाता हूँ। ओ भाई, सामने ऑफिसर खड़े। सर मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर किसी ने ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है, और वो भी खतरनाक वाला, वो ज़ॉम्बी अपना शेप चेंज कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, तो आप लोगों ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? हमने अपनी पूरी ट्राई की है, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे अभी भी अंदर उन्हें रोक रहे है, पर मुझे नहीं लगता कि वो भी बचेंगे, क्योंकि इन ज़ॉम्बियों को कितना भी मार लो ये खत्म ही नहीं हो रहे है। सर आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। गाइस हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, हम एक भी ज़ॉम्बी इस फैक्ट्री के बाहर नहीं जाने दे सकते। ओ भाई साहब, इन्होंने तो पूरी की पूरी स्वॉट को ही मार दिया है, जरा देखो तो सही, एक भी जन नहीं बचा। और ये लोग अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सोचना होगा, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओहो, हमने तो आइस की एक बॉल ही खड़ी कर दी, अब ये लोग इस साइड नहीं आ पाएंगे। पर गाइस इतने से कुछ नहीं होगा, हमें चारों तरफ के रास्ते बंद करने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी जाते हैं, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। चलो ये रास्ता भी बंद कर देते हैं। चलो यहाँ का काम हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, देखो यहाँ से भी रास्ता खुला है, और ये मुझे लगता है उस साइड से भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी तो बाहर जा सकते हैं। अब ये जगह पैक हो गई है और अपना काम भी हो गया। फिलहाल जो भी ज़ॉम्बी अंदर है हमें उन्हें खत्म करना होगा। चलो बच्चों सामने आ जाओ, पापा आ गए। ये देखो यहाँ तो बहुत सारे, और ये बहुत ही अजीब किस्म के ज़ॉम्बी है। बर्फ के स्पाइक से तो कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ये लो गाइस, सूट में बहुत ही कमाल की पावर है, कितना कूल लग रहा है ये सब देखने में। पर फिलहाल इनसे भी बात नहीं बन रही है, मुझे हाथापाई पर उतरना पड़ेगा। तुम्हारी तो मैं ऐसी की तैसी। ये लो और ये खाओ, एक को भी नहीं छोड़ेंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तेरी तो ये ले, क्या उड़ के गया है? नहीं नहीं नहीं, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वॉल, हम आइस वॉल का सहारा लेंगे, इन्हें यही पर पैक कर देते हैं। चलो 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 चलो, ये सब करते टाइम मुझे बहुत ज्यादा थकावट होती है, ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी की एनर्जी किसी ने चूस ली है। चलो बस इस साइड का बाकी है, अब सब लोग पैक हो चुके हैं, कोई यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। गाइस ये लोग तो हमारी वॉल तोड़ रहे हैं, मुझे दूसरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तो तुम सब लोग गए, ये लो बर्फ के मीटियर जैसी चीजें गिर रही है, और वो भी बहुत नोकिली नोकिली। फाइनली गाइस इन सबको मार दिया मैंने, अब ये वायरस यहाँ से कहीं नहीं फैलेगा। जरा देखो तो सही, ढेर लगा हुआ है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक मिनट, ये कौन है? अबे ये क्या चीज है? तुमने मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके तो इन सब के पीछे तुम थे, अब तुम्हें मारने के पीछे भी मैं ही होऊंगा। तुम तो गए, ये लो। ओ भाई यार, ये तो कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहा है गाइस। होगा भी क्यों नहीं, इसका पूरा प्लान चौपट कर दिया हमने, पर मैं इससे डरता थोड़ी हूँ। आजा भाई आजा, अभी बताता तुम्हें, ये लो और ये खाओ। ओह, अबे तू भी मुझे जानता नहीं है और ना इस सूट की पावर को जानता, ये ले। अब जरा इसको घूमर घूमर करवाते गाइस, तैयार हो जा भाई, चक्कर आने वाले। और ये ले, इससे पहले ये हम पर हमला करे हम इस पर कर देते हैं, यहाँ पर आ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर पाऊँ। अब तो तू गया बेटे, मेरी लेजर तो इसके आर पार हो गई है। चलो नीचे चलते हैं। अबे कहाँ गया ये? गिरा। जरा देखो तो सही, इसे खत्म करने के हमें मिले है पूरे 5 मिलियन।
$1 million। जल्दी से मार्केट खोलते, देखते कौन सा सूट है। और ये बाय, इस बार काफी हट्टे कट्टे लग रहे हैं, एकदम आर्मर सूट है ये। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे कृष्णा की लोकेशन मिल चुकी है। अच्छा ठीक है, जल्दी से भेज दे। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। फाइनली क्रिश हमें मिल चुका है और अब तो हमारे पास काफी अच्छा खासा सूट है, हम उसे बचा ही लेंगे। देख रहे हो कितना ढांसू लग रहा है। तो गाइस लोकेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ। ओहो, जरा सामने देखो, वो रहा कृष्णा। इन्होंने तो इससे क्रिश का सूट भी छीन लिया है। और काल भी यही पर है गाइस। काल चुपचाप इसे जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसी बात है, हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। देख मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद बोलूंगा नहीं। अब मैं पहले जितना कमजोर नहीं रहा, यहाँ पर आओ। तुम तो गए। ओ भाई साहब, क्या फेंका यार। अबे ये यहाँ पहुँच भी गया। नहीं 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 गाइस, एकदम सही बोल रहा था, ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। भागो 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 भागो, यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा इस सूट के साथ। और अब तो मेरे पास अपग्रेड के पैसे भी नहीं है। क्या हुआ, डर गए, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो खाली ऐसे जॉगिंग कर रहा था। तुम्हारी जॉगिंग अभी निकालता हूँ मैं। तेरी तो ये ले, थोड़ा बहुत तो मार ही सकता हूँ गाइस। ये 5 मारेगा तो मैं 1 तो मारूंगा ही। ओ ओ ओ, ओ यार इससे कैसे बचूं? फिलहाल मेरे पास एक ही रास्ता है, भागो। जान बचाना पहले जरूरी है। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, इसके हाथ नहीं आऊंगा। 1 मिनट, जादू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ताकत देने आया हूँ, तुमने सूट को अपग्रेड कर लिया है, मैं तुम्हें गॉड लेवल का सूट दूंगा। क्या गॉड लेवल का सूट? जो करना है भाई जल्दी कर, तुम बस वहीं पर खड़े रहो। गाइस यार पता नहीं कौन सा सूट मिलने वाला है। ओह भाई साहब, जरा देखो तो सही। और तुझे लगता है इसकी मदद से मैं उसे हरा दूंगा? वो बहुत ताकतवर है। तुम चिंता मत करो, इस सूट का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, एक सूट से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सब गलत फहमी पालना छोड़ दो। गाइस यार ये तो यहाँ पर पहुँच भी गया है। मैंने पिछली बार एक गलती कर दी थी कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। तुम यही पर मरोगे और वो भी मेरे हाथों। गाइस यार जल्दी से लाइक कर दो। अब तो तू गया बेटे, ये ले। और ये का भाई साहब, इसकी ब्लेड्स में तो चेन भी लगी हुई है और कितने अच्छे से काम कर रही है। हमने तो इसकी पुंगी बजा दी, वो भी एक ही बार में। तो गाइस यार फाइनली ये किस्सा खत्म हुआ।